नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगामी 10 जून 2022 को सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजयोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी उस दिन स्थान स्थान पे, कार्यकर्ता उनके अपने अपने घरों पे 10-10 दीपक जला के महाराजा सुहेलदेव राजभर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी 10 जून 2022 को हमारे आदर्श महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजयोत्सव है। इस दिन समस्त कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के पदाधिकारी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता समर्थक, मोर्चों के सभी कार्यकर्ता समर्थक अपने अपने घरों पे 10-10 दीपक जलाकर उस दिन समारोह विजयोत्सव मनाएंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव राजभर को अपना आदर्श मानती है। साथियों, आपको पता है कि जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिलते हैं, आमना सामना होता है, तो जय सुहेलदेव करके एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसी प्रकार पार्टी की कोई मीटिंग हो, छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, विशाल सभा हो, जब पार्टी के कार्यकर्ता खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, तो गगनभेदी नारा लगाते हैं कि जय सुहेलदेव। पूरा वातावरण जय सुहेलदेव के नारे से गुंजित हो उठता है, सुगंधित हो उठता है। सुहेलदेव महाराज जो इस पार्टी के आदर्श हैं और इस पार्टी के संस्थापक माननीय ओम प्रकाश राजभर, उनका व्यक्तित्व तो ही महाराजा सुहेलदेव राजभर जी से प्रभावित है। और वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने राजनीतिक पार्टी जब बनाई तो उस पार्टी का नाम ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उन्होंने रख दिया। महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर चलते हुए वो काफ़ी 20 साल से ये संघर्ष करते करते आज पार्टी को यहाँ तक ले आए हैं। यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर को इतिहास के पन्नों से जो दबा हुआ उनका जो व्यक्तित्व था, महाराजा सुहेलदेव जैसा हीरा इतिहास के पन्नों में जो डूबा हुआ था, इतिहास के पन्नों में ढका हुआ था, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उनको ढूंढा, पहचाना और उनको निकाल के उनको निखारा, उनको चमकाया। आज आप पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में महाराजा सुहेलदेव की चर्चा है। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से डाक टिकट जारी हो रहा है, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से पार्क बन रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से ट्रेन चल रही है, महाराजा सुहेलदेव के नाम से तमाम फिल्में बन रही हैं। इस तरह से तमाम चीज़ें महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से हो रही हैं। अगर इसके पीछे किसी का संघर्ष जाता है तो वह एकमात्र नाम आएगा इतिहास में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। महाराजा सुहेलदेव ये कौन थे, आप सबसे छिपा नहीं है, आपको पता है कि महाराजा सुहेलदेव आताताई मसऊद गाजी के समकालीन थे। मसऊद गाजी आतंक का पर्याय था, लूटपाट करते हुए जब इनके राज्य की तरफ बढ़ा तो महाराजा सुहेलदेव ने इससे जंग ही नहीं किया, इसको पटक के इसकी छाती अपने कटार से उन्होंने चीर दिया, उसका कलेजा बाहर आ गया। आज भी उसकी मजार मौजूद है। ऐसे वीर नायक महाराजा सुहेलदेव राजभर के विजयोत्सव के अवसर पे पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो इसको बहुत ही नेक नियति और धूमधाम से मनाएं और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।